दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूरोप में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत देश पुर्तगाल के बारे में, जिसे अंग्रेजी में पुर्तगाल भी कहा जाता है। पुर्तगाल का नाम इस देश के ही दूसरे सबसे बड़े शहर पोर्ट के नाम पर रखा गया है। दोस्तों जानेंगे आज इस देश के बारे में हैरतअंगेज फैक्ट्स हमारी फैक्ट्स किताब में से। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आप ऐसी अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना कर दें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस देश की स्थापना सन 1128 ईस्वी में की गई थी, जो यूरोप के सबसे पुराने देशों में से एक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस देश का पूरा नाम है द पोर्चुगीज रिपब्लिक, जिसे पुर्तगाली गणराज्य भी कहा जाता है। इस देश का बॉर्डर नॉर्थ और ईस्ट में स्पेन से मिलता है और इस बॉर्डर को द स्ट्राइप के रूप में जाना जाता है। ये बॉर्डर दुनिया के सबसे पुराने बॉर्डर्स में से एक है। वहीं इस देश में वेस्ट और साउथ में अटलांटिक ओशियन है। अगर मैं आकार की बात करूं तो ये देश विश्व में 111वें नंबर में गिना जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पुर्तगाल का कुल क्षेत्रफल 92,212 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम यूरोप की बात करें तो ये यूरोप का 19वें नंबर का बड़ा देश है। दोस्तों अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो इस देश की कुल आबादी 1,06,00,000 के आसपास है, जो कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली की पॉपुलेशन से भी कम है। ये देश पुर्तगाल आबादी के हिसाब से पूरे विश्व में 89th नंबर पर आता है और यूरोप में 17वें नंबर पर गिना जाता है। इस देश का कॉलिंग कोड +351 है। जैसा कि पूरे यूरोप में होता है, यहाँ पर भी सभी लोग सड़क के दाईं ओर गाड़ी चलाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस देश का लगभग 36% हिस्सा घने जंगलों से घिरा हुआ है, जो यूरोप के सबसे बड़े जंगली क्षेत्रों में से एक माना जाता है। अगर हम पर्वतों की बात करें तो यहाँ पर मौजूद माउंट पीको पुर्तगाल का सबसे ऊँचा पर्वत है। माउंट पीको की ऊँचाई की अगर मैं आपको बताऊँ तो इसकी ऊँचाई 2,351 मीटर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पुर्तगाल यूरोप के सबसे विकसित देशों में से गिना जाता है और यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ही बढ़िया माना जाता है। अगर मैं पुर्तगाल की पर कैपिटल इनकम की बात करूं तो यहाँ की पर कैपिटल इनकम लगभग $35,000 है। दोस्तों इस देश में आपको दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री ब्रिज भी देखने को मिल जाएगा और इस ब्रिज का नाम है 516 अरुका ब्रिज और ये दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल माना जाता है। और इसकी लंबाई मैं आपको बताऊं तो इसकी लंबाई है 516 मीटर। इस पुल का निर्माण जुलाई 2020 में शुरू हुआ था और 29 अप्रैल 2021 को इसे यात्रियों के लिए ओपन कर दिया गया। कहा जाता है कि इस पुल को बनाने में $2.8 मिलियन का खर्चा आया था। इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगीज है, यानी कि पुर्तगाली, जो यहाँ पर आम बोलचाल की भाषा है। एक ऐसा समय था जब पुर्तगाल ने अपनी सेना के दम पर पूरी दुनिया के 53 देशों में अपना शासन जमाया था। यही वजह है कि पुर्तगाली दुनिया में 6th नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है और आज ब्राज़ील और अंगोला जैसे देशों में पुर्तगाली भाषा ही बोली जाती है। यहाँ तक कि भारत के सबसे छोटे राज्य गोवा में भी पुर्तगाली भाषा काफ़ी मात्रा में बोली जाती है। और अब गोवा की बात हमने की ही है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत की खोज पर आए तो उनके आने के ठीक 12 साल के भीतर ही पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा जमा लिया और 451 सालों तक पुर्तगालियों का शासन झेलने के बाद गोवा को 19 दिसंबर 1961 को आज़ादी मिली, यानी कि भारत के आज़ाद होने के 14.5 साल के बाद। गोवा के बारे में भी बहुत रहस्यमय फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर। पुर्तगाल में अगर मैं धर्म की बात करूँ तो यहाँ पर लगभग 81% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। इस देश की राजधानी की बात करूं तो इस देश की राजधानी लिस्बोन है, जो पुर्तगाल का सबसे बड़ा शहर भी है। कहा जाता है कि ये शहर दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इस देश में जो मुद्रा चलती है उसे यूरो कहा जाता है। अगर हम इसे अपने देश के रुपी से कंपेयर करें तो अभी के समय पर एक यूरो की कीमत 88 रुपये के बराबर है। आपको पता ही होगा कि पुर्तगाल के लोग फुटबॉल के बहुत बड़े फैन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, फुटबॉल इस देश का सबसे लोकप्रिय खेल है। पुर्तगाल यूरोप का एक ऐसा देश है जहाँ पर टाइल्स का उपयोग बहुत पहले से ही किया जाने लगा था, इसलिए इस देश को टाइल्स का देश भी कहा जाता है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो इस देश की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे स्तर की मानी जाती है। अगर हम 1981 की बात करें तो तब भी यहाँ की लिटरेसी रेट 79% थी और आज के समय में ये बढ़कर 96% हो चुकी है।
इस देश का कोइम्ब्रा यूनिवर्सिटी पूरे यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है और इसकी स्थापना सन 1290 ईस्वी में की गई थी। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस देश में पूरी दुनिया के सबसे एडवांस और सबसे बेहतरीन एटीएम पाए जाते हैं। प्राकृतिक नज़रिए से भी इस देश का जवाब नहीं, ये बहुत ही खूबसूरत देश है। मैं आपको बता दूं कि पुर्तगाल में यूनेस्को द्वारा 15 विश्व धरोहर स्थल मौजूद हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लगभग 15 लाख से ऊपर लोग पूरे विश्व से पुर्तगाल आते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, पुर्तगाल अपने बहुत ही खूबसूरत बीचेस के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के सी व्यूज लोगों को बहुत ही पसंद आते हैं। सर्फिंग के साथ साथ आप यहाँ पर बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स का एडवेंचर ले सकते हैं। खूबसूरती के मामले में पुर्तगाल की महिलाएं किसी से कम नहीं होती। यहाँ की महिलाएं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और जुनूनी होती हैं। कहा जाता है कि यहाँ की महिलाएं किसी से भी बात करने या रोमांस करने में ज़रा सा भी नहीं शर्माती। तो दोस्तों, क्या आप भी पुर्तगाल जाना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलता हूँ अगली वीडियो में।